हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली वीडियो हम एक्सरसाइज सोल्व कर रहे थे 6.2, जिसे हमने कंप्लीट कर दिया था। और हमारा चैप्टर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। 6.2 में हमने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड किया था। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 6.3, यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले आपको इस आइडेंटिटी के बारे में जानना होगा। तो देखिए, आइडेंटिटीज, देखिए, अगर आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन a प्लस बी की फॉर्म का स्क्वायर है, a फर्स्ट है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नंबर सेकंड, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नंबर थर्ड, a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। नंबर फोर्थ, एक्स माइनस एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। नंबर फोर्थ ये एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो देखिए, ये आइडेंटिटी हैं, ये आपको काफ़ी आगे तक काम आएंगी 9th, 10th वगैरह में। तो देखिए, अगर हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट के साथ स्क्वायर है, यहाँ अलग अलग टर्म पे स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, या कह सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रोडक्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नेक्स्ट है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, इनको मल्टीप्लाई करें तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट में एक्स प्लस ए बी ए इंटू बी। एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब देखिए, आप इनको सपोज़ आपको आइडेंटिटी लर्न नहीं रहती, सपोज़ ए, तो आप किसी भी आइडेंटिटी को, सपोज़ ये है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको करेंगे a प्लस बी और a प्लस बी, a का पहले मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, a को मल्टीप्लाई करेंगे b से ए बी, b को a से, तो ये भी ए बी हो जाएगा, और b को b से बी स्क्वायर, तो ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये सेम टर्म है, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी से, तो a को a से किया ए स्क्वायर, a को b से माइनस बी से माइनस ए बी, बी को a से तो प्लस ए बी, और b को b माइनस बी से तो माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, लाइक टर्म है, एक नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर ओपन कीजिए 101। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो सबसे पहले आप इन आइडेंटिटी को, आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कॉपी में नोट करेंगे, उसके बाद वर्क करेंगे। तो देखिए, ये है फर्स्ट
एक्स प्लस इलेवन को मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस इलेवन से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस इलेवन का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे x इंटू एक्स क्या होगा, x का स्क्वायर। तो देखिए ये a और ये b, तो देखिए मैं आइडेंटिटी सारी एक तरफ यहाँ लिख, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ए माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए और मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, और एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट में एक्स और प्लस ए बी। तो ये वो सब आइडेंटिटी हैं जो यूज़ होंगी, तो ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स प्लस इलेवन का होल स्क्वायर, और ये होगा ये ए और ये बी, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू इलेवन, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस इलेवन का स्क्वायर, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर इलेवन टू जा 22 एक्स और 11 का स्क्वायर होता है 121। ओके, इसी तरह आप क्वेश्चन सेकंड को कर सकते हैं। सेकंड देखिए 3x प्लस 7, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर, जो कि होगा 3x का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 49। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट k माइनस 4 का स्क्वायर, थर्ड k माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर सेकंड आइडेंटिटी पे है, तो ये जाएगा k स्क्वायर माइनस 2 इंटू k इंटू 4 माइन ए स्क्वायर माइनस 2 टू ए बी, ए के प्लेस पे क्या है k और b के प्लेस पे 4 प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये जाएगा के स्क्वायर माइनस 8 के प्लस 16। नेक्स्ट नंबर फोर्थ देखिए, ये थर्ड था, फोर्थ ये 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई और 2x माइनस वाई, तो देखिए ये थर्ड वाली आइडेंटिटी है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा, वैसे आप आइडेंटिटी हर क्वेश्चन के साथ भी लिख सकते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नंबर फिफ्थ, ये x प्लस वन और x प्लस फोर,
तो देखिए ये आइडेंटिटी है नंबर फोर्थ, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, एक्स के प्लेस पे एक्स है लेकिन ए के प्लेस पे वन और बी के प्लेस पे फोर है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर इंटू एक्स प्लस वन इंटू फोर। देखिए आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या है वन, बी के प्लेस पे फोर है और एक्स के प्लेस पे एक्स ही है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस फोर। ओके, अब नंबर सिक्स देखिए, ये 0.9t माइनस 0.5q का स्क्वायर। देखिए आइडेंटिटी क्या है इसमें, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, तो ये a और ये b, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ठीक है ये तो चलिए आइडेंटिटी होगी, यस, तो 0.9p का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.9p इंटू 0.5q ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 0.5q का स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए के प्लेस पे क्या है जी, तो ये हो जाएगा 0.81p स्क्वायर माइनस 95 जब 45 0.45 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.90 आएगा, तो आ जाएगा 0.9 इस जीरो इस तरह आएगा, ठीक है पी क्यू प्लस 0.25 q स्क्वायर, 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेवन्थ, 1/4k प्लस 1/2 और 1/4k माइनस 1/2, तो देखिए ये आइडेंटिटी है राइट साइड में, ठीक है तो a प्लस बी, यानी आइडेंटिटी क्या है a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है तो ये a और ये b, तो ये हो जाएगा 1/4k का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/16k स्क्वायर माइनस 1/4, 1/4 का 1/4 से मल्टीप्लाई होगा 1/16 हो जाएगा, ये k स्क्वायर हो जाएगा और 1/2 का 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 आएगा। अब नंबर एट्थ देखिए, ये 3x² - 7 और 3x² - 8, तो देखिए लास्ट वाली आइडेंटिटी है a माइनस बी, ए एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, तो ये होगा क्या 3x का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस, ये 7 को a लेंगे और ये b है तो 7 प्लस 8,
एक्स के प्लेस पे क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इंटू एट। देखिए लास्ट वाली आइडेंटिटी है x माइनस ए, एक्स में एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स ए बी इंटू प्लस ए बी। तो देखिए x के प्लेस पे क्या है, थ्री एक्स, एक्स का स्क्वायर हो गया माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। तो देखिए ये आएगा नाइन एक्स स्क्वायर, नाइन एक्स स्क्वायर ये कितना, फिफ्टीन, फिफ्टीन थ्री जा फोर्टी फाइव एक्स स्क्वायर, थ्री थ्री एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा ये, तो थ्री नाइन एक्स की पावर फोर हो जाएगा प्लस फिफ्टी सिक्स। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए इंटू बी, तो x के प्लेस पे 3x, तो 3x स्क्वायर का स्क्वायर होगा थ्री, थ्री थ्री या नाइन, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो x की पावर फोर, एट और सेवन फिफ्टीन, थ्री या फोर्टी फाइव एक्स स्क्वायर और प्लस सेवन एट या फिफ्टी सिक्स। नंबर नाइन देखिए, जीरो पॉइंट टू एक्स माइनस जीरो पॉइंट फाइव वाई और जीरो पॉइंट टू एक्स माइनस जीरो पॉइंट थ्री वाई। तो फिर वही आइडेंटिटी है लास्ट वाली, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो जीरो पॉइंट टू एक्स का स्क्वायर माइनस, ठीक है ए प्लस बी, ये ए और ये बी, ठीक है तो जीरो पॉइंट फाइव वाई प्लस जीरो पॉइंट थ्री वाई इंटू एक्स के प्लेस पे क्या आएगा, जीरो पॉइंट टू एक्स प्लस जीरो पॉइंट फाइव वाई इंटू जीरो पॉइंट थ्री वाई, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए ए इंटू बी, ये ए है ये बी है ये ए है और ये बी है, तो ये जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फोर एक्स स्क्वायर, पॉइंट टू का पॉइंट टू से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट ज़ीरो फोर, ये कितना हो गया पॉइंट एट, पॉइंट एट वाई, पॉइंट एट का पॉइंट टू से पॉइंट वन सिक्स वाई, ठीक है और फाइव थ्री जा जीरो पॉइंट वन फाइव वाई स्क्वायर, वाई का वाई से मल्टीप्लाई पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट थ्री पॉइंट फिफ वन फाइव और वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर टेंथ, ये वन अपॉन सेवन ए, वन अपॉन सेवन ए प्लस वन अपॉन फोर्टीन बी का स्क्वायर, तो ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन अपॉन सेवन ए का स्क्वायर प्लस टू इंटू वन अपॉन सेवन ए इंटू वन अपॉन फोर्टीन बी प्लस वन अपॉन फोर्टीन बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए के प्लेस पे वन अपॉन सेवन ए, बी के प्लेस पे वन अपॉन फोर्टीन बी, तो ये जाएगा वन अपॉन फोर्टी नाइन ए स्क्वायर प्लस टू से ये सेवन टाइम कट जाएगा, तो वन इन वन, वन इंटू वन वन, सेवन इंटू फोर्टी नाइन ए बी और प्लस वन का स्क्वायर वन, फोर्टीन का वन नाइन्टी सिक्स बी स्क्वायर, ठीक है कैलकुलेट करने पे ये बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ,
ये माइनस एट जेड प्लस वाई और माइनस एट जेड माइनस वाई। देखिए इस तरह की इसमें आइडेंटिटी नहीं है, माइनस कॉमन लेने से बनेगा आइडेंटिटी, या फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस एट को माइनस एट से 64, जेड को जेड से जेड स्क्वायर और माइनस एट जेड को वाई से, तो माइनस इंटू माइनस प्लस एट वाई जेड हो जाएगा। अब वाई को कीजिए प्लस इंटू माइनस माइनस एट वाई जेड, वाई का वाई से वाई स्क्वायर, ये प्लस माइनस तो माइनस आएगा, ये सेम टर्म है और एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव, तो कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 64 जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट पार्ट देखिए 12th। ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये सेकेंड आइडेंटिटी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सारा ए है और ये बी है, तो क्या जाएगा ए स्क्वायर आएगा पहले, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू, ये पूरा एक ही फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई का टू, ये ए और ये बी, टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर यानी एक्स वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, एक्स की पावर फोर वाई का स्क्वायर माइनस टू, एक्स की पावर थ्री हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स की पावर थ्री, वाई की पावर वन, वाई की पावर टू, वाई का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और वाई की पावर फोर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप ये आइडेंटिटी ज़रूर लर्न कीजिए, वन टू थ्री फोर और फाइव, फाइव आइडेंटिटी हैं, और ये आइडेंटिटी वन और वन टू थ्री बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं, तो ये आइडेंटिटी लर्न कीजिए और इनको कैसे अप्लाई करते हैं ये सीखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन वन को हमने आइडेंटिटी यूज़ करके सोल्व किया है, तो देखिए समझने के बाद, वीडियो को देखने के बाद आपको ये वर्क फेयर नोटबुक में भी करना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।